Breathe in. Breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13 चैप्टर 2 का आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। जिस सर्किट में कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी हो वो सर्किट पढ़ना है। और उस सर्किट के तहत हमें पढ़ना है क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। अब मेरा कहने का मतलब ये कि अभी तक हमने जो कैपेसिटर पढ़ा पूरे लेक्चर में, इसमें पूरे चैप्टर में, इसमें जो कैपेसिटर नाम की चीज़ पढ़ी, हमने केवल एक प्योर कैपेसिटर को देखा है। उस कैपेसिटर के सारे रेजिस्टेंसेस को और उस कैपेसिटर से कनेक्ट होने वाले कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंसेस को नेगलेक्ट कर दिया था एक टाइम पे। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है? क्या आइडियल कैपेसिटर पॉसिबल है? नहीं ना, हर एक चीज़ अपना रेजिस्टेंस रखती है। ऐसे कैपेसिटर का अपना रेजिस्टेंस होगा और जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो एक्चुअलिटी में जो रियलिटी है वो रियलिटी बताती है आरसी सर्किट। खाली कैपेसिटर कुछ नहीं होता, आरसी कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, उससे एक्चुअल नॉलेज पता चलेगी, एक्चुअल सर्किट के बारे में पता चलेगा। जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जब भी हम कोई सर्किट बनाएंगे किसी मोबाइल फोन का, किसी चार्जर का, तो हमें आरसी सर्किट को कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि केवल कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर को, क्योंकि प्योर कैपेसिटर आपकी कोई चीज़ है ही नहीं। और इस सर्किट और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्जिंग को कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे चार्ज की जाती है और डिस्चार्जिंग को कैपेसिटर। एक मिनट सुनो, मान लो हमारे पास कोई आइडियल कैपेसिटर है, हमने उसे बैटरी से कनेक्ट किया, तो कितनी देर लगेगी चार्ज होने में उसे? जैसे बैटरी को तो टाइम लगता है ना चार्ज होने में, कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा? जीरो टाइम लगेगा, मतलब इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। वहाँ तुमने बैटरी कनेक्ट की और स्विच ऑन किया और वहाँ कैपेसिटर चार्ज, अगर हम आइडियल कैपेसिटर की बात करें। लेकिन अगर हम कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी लें, जो अपने कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, जो उस वायर का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करें, तो इट टेक्स टाइम, चार्जिंग टेक्स टाइम। तो वो कितना टाइम है और कितना चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होगा, वही सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और यही काम डिस्चार्जिंग में है कि वही मान लो कि खाली प्योर कैपेसिटर है, बैटरी हटा दो, डिस्चार्ज करो, मतलब उसे अगर हम क्लोज सर्किट में प्योर कैपेसिटर रख दे तो वो डिस्चार्ज क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के साथ तो थोड़ा टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, वो टाइम ही क्या कहलाता है, टाइम कॉन्स्टेंट कहलाता है। हालांकि सब चीज़ें पढ़ेंगे, आप देखते रहो। तो कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और लिखो हेडिंग आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट क्या होता है भाई? आरसी सर्किट, पहले थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं ना, क्या चीज आरसी सर्किट? आरसी सर्किट, आरसी सर्किट देखो भाई क्या होता है आरसी सर्किट। द सर्किट विच कंसिस्ट, द सर्किट विच कंसिस्ट, विच कंसिस्ट कैपेसिटर एज वेल एज एस वेल एस रजिस्टर इज कॉल्ड आरसी या सीआर सर्किट। आरसी सर्किट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस बनाया, इसके साथ कैपेसिटर बनाया और यहाँ बैटरी लगाई गई और यहाँ लगाया गया एक स्विच एस, स्विच एस, ये बैटरी वी वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस आ रही है कैपेसिटर सी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, कोई दिक्कत। अब होगा क्या, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे चार्ज निकलेगा, चार्ज निकलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? जीरो टाइम, इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा। और अगर ये रेजिस्टेंस हुआ तो कितना टाइम लग जाएगा कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में? इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। पता है तुम्हें इनफाइनाइट टाइम, 99.9% तो एकदम चार्ज हो जाएगा ये कैपेसिटर थोड़े टाइम में ही। लेकिन जो 0.1% है वो कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा, है ना, इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा। तो वही हम दो टाइम के बारे में बात करेंगे कि जब टाइम जीरो हो तब कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर। जीरो टाइम पे जीरो चार्ज स्टोर करेगा, जीरो टाइम पे जीरो चार्ज स्टोर करेगा ना। प्योर कैपेसिटर की बात नहीं चल रही है, आरसी सर्किट की बात चल रही है। जीरो टाइम पे जीरो चार्ज कैप स्टोर करेगा और इन्फिनिटी टाइम पे फुल चार्ज हो जाएगा ये। और जब फुल चार्ज हो जाएगा ये तो क्या इसका कोई रोल रहेगा? जब कोई कैपेसिटर फुल चार्ज हो तो वो तो एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, उस कैपेसिटर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो उस कैपेसिटर को हम हटा देंगे इन्फिनिटी प्रॉब्लम, मतलब जब टाइम इन्फिनिटी हो। तो यहाँ क्या करने पड़ेंगे, हमें दो नोट लिखने पड़ेंगे। नोट अगर हम बात करेंगे जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे तो पहले मैं लिख के बता रहा हूँ, नोट वन कि एट टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज होगा
वो कितना होगा कैपेसिटर पे? जीरो, कोई चार्ज ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस है साथ में, तो जब जीरो टाइम है तो जीरो चार्ज होगा। और जैसे ही एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, चार्ज कितना होगा? मैक्सिमम चार्ज होगा, और जो कि क्या कहलाएगा? सी इंटू वी। क्यों मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा? जो कि क्या कहलाएगा? क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। अब बात यह है कि जो चार्ज है, टी इक्वल टू ओ एट टी सेकंड पे, ये तो टी इक्वल टू जीरो पे जीरो चार्ज, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज, और कोई बीच का ना टाइम हो, जीरो से इन्फिनिटी के बीच का जो टाइम है उस पर कितना चार्ज? हमने एक तो मैक्सिमम कंडीशन देख ली फुल चार्ज वाली, एक मिनिमम कंडीशन देख ली, है ना। लेकिन टी एट टाइम टी पे कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर? किसे इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे निकालना हो चार्ज, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही चार्जिंग है, और वही सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो ये दो नोट लिख लिए आप लोगों ने, ये मेन इंपॉर्टेंट नोट है। हालांकि ये कैसे आए हैं ये भी जब डेरिवेशन करेंगे तो बताया जाएगा कि कैसे आए हैं ये, है ना। तो क्या करते हैं, चार्जिंग पढ़ते हैं पहले। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो भाई, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में देखो, मान लो हमने स्विच क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच क्लोज किया चार्ज फ्लो होने लगेगा इसमें। चार्ज फ्लो हुआ क्यू, इस पे मैक्सिमम चार्ज जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है? वही क्यू नॉट, है ना। और टाइम टी पे चार्ज कितना है वो निकालना है हमें। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वोट, एट टाइम टी पे कितना चार्ज है वो हमें क्या करना है? कैलकुलेट। अब ये चार्ज फ्लो होगा तो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में क्या लगाएंगे? लूप लो। पढ़ाए लूप लो नहीं पिछले लेक्चर में? जिस बच्चों ने लूप लो नहीं पढ़ाया वो पढ़ाए, बटन पे क्लिक करके लूप लो वाला लेक्चर देख सकते हैं। लूप लो लगाएंगे हम। लूप लो कैसे लगता है? इस तरह से क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करेंगे। देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, लोअर टू हाइयर, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस वी आ जाएगा। लिखेंगे अप्लाइंग लूप लॉ इन सर्किट। क्या कहता है? निगेटिव टू पॉजिटिव, देखो हाइयर पोटेंशियल चल रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लोअर से हाइयर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रहेगा तो प्लस वी, ठीक है। ऊपर चले चले या पॉजिटिव से निगेटिव, पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है तो माइनस। रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? आई इंटू आर। आगे बढ़ो पॉजिटिव से निगेटिव, पोटेंशियल फिर से घट रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होता है? क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से किसके वैल्यू निकालनी है हमें? आई के वैल्यू निकालनी है, तो यही रहने दो आई को, आई इंटू आर, तो वहाँ क्या बचेगा? वी माइनस क्यू अपॉन सी। एलसीएम ले लो तो आई इंटू आर इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन सी। आर जाएगा नीचे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। ये आया, हमें निकालना है चार्ज एट टाइम टी, टाइम टी पे चार्ज निकालना है तो करंट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस करंट ले लो, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। आई को लिख सकते हैं ना डी क्यू अपॉन डी टी। अब क्यू वाले डी क्यू के साथ टी वाले वहां ले जाओ, तो नीचे ले आओ डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी अपॉन आर सी। तो ये हो जाएगा आर सी, है ना। तो अब क्या करते हैं जहाँ डी आया तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन क्या करेंगे? तो ये आया डी टी अपॉन आर सी, डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू डी टी अपॉन आर सी। जहाँ डी आया वहाँ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे? ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो कैसे करते हैं? देखो इंटीग्रेशन, चार्ज कहाँ से कहाँ तक? जीरो से क्यू पहुँचेगा चार्ज, डी क्यू अपन, क्योंकि एट टाइम टी पे निकाले तो क्यू चार्ज होगा ना, इन्फिनिटी के लिए निकालते तो मैक्सिमम चार्ज रखते, सी वी माइनस क्यू इक्वल टू, और ये इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन आर सी। तो सी है ना, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू क्या होगा? डी क्यू अपॉन क्यू का लॉग क्यू, से थोड़ी देर के लिए क्यू मानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? लॉग है ना, क्या हो जाएगा? सी वी माइनस क्यू। फिर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्यू के, तो क्यू किस चीज़ का? माइनस का, तो माइनस आ जाएगा यहाँ। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? जीरो से क्यू तक। ऐसे ही डी टी का तो टी अपॉन आर सी, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब माइनस तो लिखो, ये माइनस तो वहाँ लेके जाओ, तो क्या बचेगा? लॉग, लिमिट रखेंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा सी वी माइनस क्यू की जगह क्यू, और माइनस लॉग सी वी माइनस क्यू की जगह जीरो, तो सी वी बचेगा, ये माइनस जाएगा वहाँ, तो माइनस टी अपॉन आर सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा? लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी,
इक्वल टू माइनस के टी अपॉन आर सी। लॉग जाएगा वहाँ तो ई बन जाएगा, है ना, लॉग वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। चलो नोट करो इसे, ये उतार, ये मिटा दूँ मैं, उसे नोट करो, ये मिटा देता हूँ। तो लॉग वहाँ जाएगा क्या बन जाएगा, सी वी, तो हो जाएगा सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये बना तो सी वी माइनस क्यू इक्वल टू सी वी, या हो जाएगा सी वी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या क्यू वाली के जाओ वहाँ तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी माइनस सी वी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या क्यू इक्वल टू सी वी लो बाहर, अंदर बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, ये आया है भैया चार्ज एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, किसी भी टाइम टी पे अगर हमें चार्ज निकालना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड ए चार्ज एट ए टाइम टी, तो वी कैन अप्लाई दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं। और ये सी वी क्या है, मैक्सिमम चार्ज अभी बताया था, क्यू नॉट कह दो इसे, क्यू मैक्सिमम कह दो या क्यू नॉट कह दो, क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक, अब यहाँ एक बात आती है, हेयर जो आर सी है, आर सी इज कॉल्ड टाइम टॉ, इसे क्या कहते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। क्या नाम है इसका भाई, टाइम कॉन्स्टेंट। और टाइम कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वही टाइम की तरह सेकेंड, टाइम की तरह क्या यूनिट होती है, सेकेंड यूनिट होती है इसकी। अब टाइम कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है, ये टी इक्वल टू आर सी जो हमने रखा है टाइम कॉन्स्टेंट टॉ है, वन टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं आर सी को, एक टाइम कॉन्स्टेंट। अब ये जो टाइम, चलो इसमें तो आर सी इक्वल टू टॉ टाइम कॉन्स्टेंट। अब ये टाइम कॉन्स्टेंट चीज़ क्या है, ये टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम है जो ये बताता है कि कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा एक टाइम कॉन्स्टेंट पे, एक टाइम कॉन्स्टेंट पे कैपेसिटर कितना चार्ज होगा वो ये टाइम बताता है, जिसे बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। जैसे कि देखो अभी देखते हैं, मान लो एट टी इक्वल टू वन टॉ, एक मिनट के लिए टी इक्वल टू वन टाइम कॉन्स्टेंट ले लो, लेट है ना, वन टाइम कॉन्स्टेंट ले लिया हमने टी इक्वल टू, तो पुट करेंगे जो वैल्यू यहाँ हम, आर सी तो टॉ है ही, आर सी तो टॉ है ही, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट वन माइनस टॉ अपॉन टॉ ई की पावर माइनस टॉ, टी की जगह टॉ रख देंगे, अपॉन नीचे टॉ चली रहा, टॉ से टॉ काट देंगे, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस वन। इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू नॉट वन माइनस वन अपॉन ई, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है, इसे याद करना पड़ेगा 63.2% ऑफ क्यू नॉट, वैसे तो आता है क्या आएगा 0.632 आएगा क्यू नॉट, है ना, अगर हम इसे परसेंटेज में लिखें तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा 63.2% ऑफ क्यू नॉट। मतलब एक टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम है, मतलब एक टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम है जिस पर कोई भी कैपेसिटर 63.2% चार्ज स्टोर कर ले मैक्सिमम चार्ज का, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है उसका, 63.2% चार्ज स्टोर कर ले वो कैपेसिटर, तो वो कितने टाइम में स्टोर करेगा, वन टाइम कॉन्स्टेंट पे। तो अगर टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन लिखें हम, क्या लिखें, टाइम कॉन्स्टेंट, तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, टाइम कॉन्स्टेंट इज अ टाइम, टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट इज ए टाइम एट विच कैपेसिटर स्टोर्स 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो ये है भैया चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट, है ना, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट ये है, हमें इस कॉन्सेप्ट से किसी भी टाइम टी पे चार्ज निकालना है। मान लो मैं करंट निकालनी हो, चार्जिंग करंट, क्या निकालनी हो, चार्जिंग करंट से इसका ग्राफ भी बनाते हैं ना, इसका क्या बनाते हैं, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस की ई वन माइनस के टी अपॉन आर सी की ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बना लो भाई। चलो कहाँ बनाए ग्राफ, यहीं बना लेते हैं ग्राफ, देखो ग्राफ ये याद रखना ये फॉर्मूला, चलो यहीं बना लेते हैं ग्राफ की अगर हम बात करें, इसे उतार लो फटाफट, उतारो इसे, उतार लिया, चलो तो देखते हैं स्टार्टिंग ग्राफ बनाते हैं, चलो भाई ढंग से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, इसका ग्राफ हो जाएगा ग्राफ बिटवीन क्यू एंड टाइम टॉ। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से ये टॉ है टाइम कॉन्स्टेंट, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये चार्ज है क्यू। ठीक, अब होगा क्या, एक टाइम कॉन्स्टेंट पे
कितना कितने परसेंट कैपेसिटर चार्ज हुआ मैक्सिमम चार्ज का, 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज मान लो ये है क्यू नॉट। ठीक, तो किस तरह से बढ़ेगा ये कैपेसिटर, देखो कैसे कौन सा ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल है ना, ER आ तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा ये यहाँ, और कितने पे चार्ज हुआ है, वन टाइम कॉन्स्टेंट पे चार्ज हुआ, और इनफाइनाइट टाइम पे ये पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, हम जानते ही हैं, है ना। तो ये कौन सा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक, तो इससे पता चलता है कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। ठीक है, चार्जिंग कैपेसिटर। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, चार्जिंग करंट निकालनी हो। चार्जिंग करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो क्या लिखेंगे, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट देखो भाई, अगर हमें चार्जिंग करंट निकालनी हो तो कैसे निकालते, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, हमें पता है जो फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये फॉर्मूला है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का। हमें क्या निकालनी है, करंट, क्या निकालनी है हमें, करंट। तो करंट क्या होती है, चार्जिंग करंट, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये होती है करंट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पुट करो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू की जगह क्यू नॉट, डी क्यू की जगह क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी। तो करेंगे तो क्यू नॉट तो ले लो बाहर, 1 का डिफरेंशियल 0, माइनस ई की पावर माइनस टी का तो ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ ही होगा, और माइनस टी का फिर माइनस 1 अपॉन टॉ हो जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये हो गया। तो उसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन टॉ इन टू e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। इसको क्या कह देंगे, इसको क्या कह सकते हैं, या q अपॉन t करंट होती है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये है भाई मैक्सिमम करंट, ये क्या है, मैक्सिमम करंट। अभी मैक्सिमम करंट तो आ गई, यहाँ टॉ तो वही है टाइम कांस्टेंट। अब इसके लिए टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन होगा, अगर मैं बात करूँ लेट टी इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, 1 टॉ सेकंड, तो अगर पुट करेंगे यहाँ तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस 1 ही बचेगा, और ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, सेम टू सेम ये आ जाएगा, देखो 63 था ना वो, तो 37.2 था, तो क्या बचेगा, 30, तो हाँ 36.8% ऑफ I नॉट। मतलब एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस पर चार्जिंग करंट 36.8% चार्ज मैक्सिमम करंट की हो, या चार्ज कितना हो 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। अगर चार्ज की टर्म में लिखोगे तो 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, और चार्जिंग करंट के टर्म में लिखोगे तो 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट। अब इसके ग्राफ बनाना हो हमें, इसके ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो भाई ये आई और ये टॉ, वही 1 टाइम कांस्टेंट लिखेंगे, 1 टॉ है ना, तो करंट कितनी हो जाएगी इसके लिए 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इसका ग्राफ डिक्रीज होगी ना करंट, तो करंट कुछ इस तरह बनता है, इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली आता है, और करना कैसे, इस वाले पॉइंट पे जा करके ये यहाँ पे 1 टॉ हो जाएगा, ये 1 टॉ पता चल जाता है हमें। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने चार्जिंग करंट और चार्जिंग चार्जिंग और कैपेसिटर सीखा, और हमने पता लगाया कि क्या कि 63. कैपेसिटर इन्फिनिटी टाइम पे तो फुल्ली चार्ज होता है, और टी इक्वल टू 0 टाइम पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होता, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस वहाँ पे है। तो हमने चार्जिंग और कैपेसिटर सीखा, अब इसके न्यूमेरिकल करने हैं, मान लो हमें क्या करने हैं इसके न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमसे मैक्सिमम चार्ज पूछा जाएगा। जब भी कभी किसी कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज पूछा जाए तो समझ लो किस टाइम की बात हो रही है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात हो रही है, टी इक्वल टू किसकी बात हो रही है, इन्फिनिटी की। तो आया समझ में, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर उतार लो इसे,
चलो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, इसे उतार दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो क्या करते हैं। चलो भाई तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें क्या कहा है, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बताना है, मैक्सिमम चार्ज बताना है। तो मैक्सिमम चार्ज पता लगाते हैं भाई। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये इस तरह का सर्किट बना हुआ है, ये है, ये बैटरी लगाई यहाँ, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 20 वोल्ट और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमसे इसमें क्या कहा गया है कि मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज बताना है। तो मेरे क्वेश्चन है तुम लोगों से कि मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस कब होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे, जब टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो। तो जब भी मैक्सिमम चार्ज की बात चले तो इन्फिनिटी टाइम पे लेके चलना है हमें। तो लिखेंगे मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो कैस वायर की कोई जरूरत है, क्योंकि जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका तो इसमें करंट तो जाने का मतलब ही नहीं, करंट तो सीधी निकल जाएगी, यहाँ से चल करके चार्ज निकलेगा और ऐसे चला जाएगा, है ना, इसका कोई मतलब नहीं। जब भी टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ये बात याद रखो, जब भी टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो इस वायर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। कौन से वायर को, कैपेसिटर वाले वायर को, कैपेसिटर वाले वायर को नेगलेक्ट करके उस वायर को हटा करके वहां 2 पॉइंट मान लेंगे, ए और बी, जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है। क्यों निकालना है पोटेंशियल, क्योंकि हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहिए और फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू सीवी। तो वी किसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर तो एक्चुअल में लगा हुआ तो यही है ना इस वायर के अक्रॉस, तो इस वायर को हटा के पॉइंट ए और बी मान लेंगे, दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे बस हम, और वो पोटेंशियल निकाल के क्यू इक्वल टू सीवी का फॉर्मूला लगा देंगे और आराम से हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी में हमेशा नया सर्किट कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर वाले वायर को रिमूव करके। तो रिमूव करके नया सर्किट को जिस तरह बना, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ ये 20 वोल्ट, ये 2, ये 3 और ये 5 ओम। यहाँ कैपेसिटर था तो यहाँ पॉइंट मान लो ए पॉइंट और यहाँ क्या मान लेंगे, बी पॉइंट, इसका अक्रॉस पोटेंशियल निकालना। तो देखो किस में है रजिस्टर सारे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट आएगा 2 + 3 + 5, यही होता है 10 ओम आर इक्विवेलेंट। वोल्ट कितने हैं, वी इक्वल टू 20 वोल्ट की बैटरी है, तो वी इक्वल टू आई आर से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ आई निकाल सकते हैं। तो करंट कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 20/10, मतलब 2 एम्पियर की करंट इस सर्किट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, मतलब 2 एम्पियर की करंट ये गई, 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है, 2 एम्पियर की करंट चली गई। अब हमें क्या निकालना है, करंट आ चुकी, करंट आ चुका, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब एक बात बताइए हमें क्या निकालना है, वी ए और वी बी चाहिए, वी ए माइनस वी बी, वी ए निकाल के वी बी निकाल के वी ए माइनस वी बी चाहिए हमें, ठीक है। करंट आ चुकी है हमारे पास, हमें पोटेंशियल निकालना है ए पे, पोटेंशियल एट ए। अगर हमें ए पे पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, देखो यहाँ से करंट चल रही है, या ये 20 वोल्ट है, सीरीज में तो हर एक का पोटेंशियल सेम होता है, ये रजिस्टर अपना पोटेंशियल खा लेगा V1, बचा कुचा छोड़ेगा वो आएगा इस पे ए पे, ये अपना खा लेगा V2, बचा कुचा जाएगा वो बी पे आएगा, है ना, ऐसे तो चलेंगे, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल होगा देखना है, ये हमें क्या देखना है कि कितना पोटेंशियल होगा, तो लिखेंगे क्या, पोटेंशियल अक्रॉस ए, ए के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो यहां से यहां तक चलो ए तक, यहां से ए तक चलो, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी तो ये रही,
निगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो 20 माइनस वो आगे चलो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है तो माइनस आई इंटू आर, मतलब आई इंटू आर और आगे बढ़ेंगे तो वी ए, तो क्या हो जाएगा माइनस फिर पॉजिटिव से निगेटिव तो फिर घटेगा ही वी ए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये वाला पाथ चूज करते हैं, जिसके अक्रॉस निकालना वहाँ तक चलना होता है हमें, जिसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल वहाँ तक चलना होता है किसी भी सर्किट में। तो बैटरी से स्टार्ट करके वहाँ चल दिए, ए पे निकालना है ना, इससे यहाँ पहुँचे हम, तो क्या आएगा देखो 20 माइनस आई, आई कितना है 2 और आर कितना है 2, तो 4 माइनस वी ए इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा 16, तो वी ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 16 वोल्ट। तो ए पे जो पोटेंशियल है वो 16 वोल्ट है, ठीक। बी पे निकालना है, देखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस बी, पोटेंशियल अक्रॉस बी, बी के अक्रॉस निकालना है तो वही बैटरी से चलना स्टार्ट करो और बी तक पहुँचो, बी तक ये पहुँचे मान लो बी तक, तो देखो निगेटिव टू पॉजिटिव वही हाइयर पोटेंशियल प्लस, और आगे चलेंगे पॉजिटिव से निगेटिव माइनस, क्या हो जाएगा ये कितना खाएगा अपना 4, अभी क्या है आगे चलो फिर ये पॉजिटिव से निगेटिव ये भी डिक्रीज होगा यहाँ माइनस, कितना खा लेगा 3 into 2 और आगे चलेंगे तो फिर माइनस वी बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 माइनस 6 माइनस वी बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस वी बी इक्वल टू 0 या वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ से वी ए बी, जो कि होगा क्या वी ए माइनस वी बी, और जो कि कितना है 16 माइनस 10 मतलब 4 वोल्ट। वी ए बी इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, तो 4 निकालना है, तो क्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्यू मैक्सिमम इक्वल टू सी इन टू वी, सी कितना है भाई सी हमारे पास 2 माइक्रो फराड और V कौन सा वी ए बी वाला कितना आया है 4, तो कितना है 8 माइक्रो कूलम का चार्ज इस कैपेसिटर में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन कैपेसिटर का कैसे करना है, आई होप तुम लोगों की समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं आरसी सर्किट का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैक्सिमम चार्ज पूछा वही क्वेश्चन ये रहेगा, और अब के क्या है अब कैसे चेंज करके थोड़ा सा सर्किट को चेंज किया है, और सर्किट को चेंज करके कुछ इस तरह से बनाया है, क्या बनाया है भाई देखते हैं सर्किट किस तरह से बनाया गया है, सर्किट बनाया है कुछ इस तरह से, ये ऐसे ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ये 2 माइक्रो फराड है, यहाँ ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये ऐसे ट्वेंटी वोल्ट 4 ohm 2 ohm 2 ohm 6 ohm 6 ohm, तो ये क्वेश्चन है भाई 6 ohm। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस दी कैपेसिटर, सेम क्वेश्चन है आरसी सर्किट का, आर भी है सी भी है, तो क्या करना पड़ रहा है मैक्सिमम चार्ज के लिए लिखेंगे 4 मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम चार्ज के लिए क्या होना चाहिए टी इक्वल टू इन्फिनिटी, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी में हम इसे क्या कर देंगे, इस वाले सर्किट को क्या कर देंगे, इस वाली ब्रांच को तो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो न्यू ब्रांच बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनी हमारे पास अगर हम सी के वैल्यू यहाँ लिख दे 2 माइक्रो फराड, तो न्यू ब्रांच यहीं से बन जाएगी हमारे पास, ये बन गई न्यू ब्रांच, ये नया सर्किट बना, ये हमारे पास नया सर्किट ये आया यहाँ मान लेंगे पॉइंट ए और यहाँ मान लेंगे पॉइंट बी, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है भाई। अच्छा 20 वोल्ट है तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, और यहाँ 0 है तो ये 0 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट, पता है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब पढ़ रखा है पिछले लेक्चर्स में। पहला काम करंट निकालने का, तो करंट निकालो, मान लो यहाँ से करंट गई I, इस वाले ब्रांच में कितनी गई करंट I1, इस वाले ब्रांच में कितनी गई मान लो I2, घूम करके है ना ये चली जाएगी। तो लिखो भाई कैसे लिखते हैं, चलो पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट के लिए देखो दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज बाकी बचे कुछ है पैरेलल, तो क्या लिखेंगे इन दोनों का सीरीज कैसे निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ क्या,
दोनों सीरीज में, सीरीज का क्या होगा 12 और ये क्या होगा 6, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 1/r इक्विवेलेंट, डायरेक्ट लिखो 1/12 + 1/6, तो आर इक्विवेलेंट कुल मिला के यहाँ से हो जाएगा 3 × 12 4 ओम रजिस्टेंस आया। ये करंट निकाल लेते हैं। अब करंट कैसे निकाली जाएगी, देखो किस में निकालनी है, करंट निकालनी है अब, है ना, तो करंट निकाल लो भाई, करंट निकाल दो, इस वाली ब्रांच में निकाल लो और उस वाली ब्रांच में निकाल लो, कैसे भी निकाल लो वो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। तो करंट निकालने का सिंपल तरीका क्या है, वी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, वी कितना है 20 वोल्ट, आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर की करंट यहाँ से निकली, कितने एम्पियर की करंट यहाँ से निकली 5 एम्पियर की करंट यहाँ से निकल गई है भाई। तो आई वन कितनी है और आई टू कितनी है, 5 एम्पियर की करंट जब यहाँ से निकल गई तो हमें देखना है कि आई वन कितनी है और आई टू कितनी है। तो भैया देखो आई वन आई टू निकालने के लिए तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, या तो किरचॉफ लॉ लगा दो, क्या लगा दो, या किरचॉफ लॉ लगा दो, आई वन निकालनी है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल दे रखा 20 और निकाल लो आराम से। तो लिखेंगे क्या 4 आई वन, आई वन निकालने के लिए वी इक्वल टू आई आर, ये रहा, अरे है ना, तो ये दोनों क्या है सीरीज है, तो 20 इक्वल टू 4 × 2 = 6 I1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20/6 मतलब 10/3 एम्पियर, इस ब्रांच के अक्रॉस तो ये हो गए 10/3, उस ब्रांच के अक्रॉस निकाल लो 4 I2 निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस 20 - 0 तो 20 ही है, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 6 × 6 = 12 × I2, तो I2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 20/12 मतलब 10/6 एम्पियर हो गई यहाँ से। I1 I2 दोनों करंट हमारे पास आ चुकी, पोटेंशियल निकालना है A पे और पोटेंशियल निकालना है B पे, ये काम है बस हमारा, है ना। तो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे B पे पोटेंशियल, पहले A पे पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट A, A पे पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ से, चलो A तक, तो यहाँ से A तक चलेंगे क्योंकि बैटरी दे 20 वोल्ट के, यहाँ से A तक चल लो, तो चलो भैया तो 20 तो ये माइनस, क्योंकि या पॉजिटिव या निगेटिव तो पोटेंशियल घट रहा है, -6 × I2 और -VA = 0 ये हो जाएगा, तो 20 - 6 × I2 कितना है भाई, I2 है 10/6 -VA = 0, 6 एक्सिस काट दो तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट, 20 में से 10 के 10। PD at B पे निकालते हैं पोटेंशियल, बी ए रहा यहाँ से यहाँ चलो, तो 20 माइनस, ये पॉजिटिव निगेटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव से निगेटिव घटेगा, तो 4 × I1 - VB = 0, तो 20 - 4 I1 की वैल्यू कितनी है 10/3 - VB = 0, तो 40/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से VB की वैल्यू हो जाएगी 60 20/3 वोल्ट हो गई VB की वैल्यू, ठीक है। तो VA और VB मिल चुका, तो अब अगर करंट निकालनी है, क्या निकालनी है, मैक्सिमम चार्ज उसे मिटा दूँ, मैक्सिमम चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले VAB निकाल लो, तो VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा VA - VB, VA कितना है 10, तो 10 - 20/3, तो 3 क्या आएगा 10/3 वोल्ट, और बस कैपेसिटर निकालना है Q max = C × VAB, C कितना दे रखा था 2 μF का, और VAB कितना है 10/3, तो हो जाएगा 20/3 µC, तो यह है मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय ये कैपेसिटर। तो ये थी RC सर्किट की जानकारी, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चार्ज होता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के केस में, और कैसे डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्जिंग अभी हमने पढ़ी नहीं, लेक्चर थोड़ा लेंथ हो जाएगा इसलिए डिस्चार्जिंग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखना अच्छे से, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।